स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी 8613 के मैनुअल को रिसर्च पेपर के अपलोड करने के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कंप्लेंट दर्ज की है कि मैनुअल ऑफ रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट का जो है बीएड का जो है 1.5 का 1 ईयर्स का जो ये हमें अपलोड करने में थोड़ा इशू आ रहा है। तो मैं आपको डायरेक्टली पूरे का पूरा सिस्टम समझाने, और पहले आपने वेबसाइट को खोलना है, अपने लॉगिन को। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको आपका जो ये 8613 रिसर्च प्रोजेक्ट का जो पेपर ही आएगा, तो आपने इधर स्प्रिंग 2022 या लिखे से आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जाना है और आपने जाना है प्रोजेक्ट की तरफ। जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी भी ये जो इसकी ड्यू डेट रहती है 22 सितंबर 2022 को तक आप ये जमा करा सकते हैं, और अभी भी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ये जमा नहीं हो रहा। मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ कि मसला क्या आ रहा है। वो ये आ रहा है कि जब हम ये जो हमारी ऐप है कैम स्कैन के नाम से, इससे जब हम ये अपनी सारी की सारी जो पिक्चर्स ले लेते हैं इस रिपोर्ट की, तो वो कुछ इस तरह से आती है। अगर हम जाए ना बोरोज़ में और मैं अपनी उसी स्कैम की तरफ जाऊं, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने वही वाली चीज़ जो है ये डाउनलोड की है, इसमें जो है कि ये अपलोड हो जाए। तो जब मैं यहाँ पे अपलोड दिस फाइल करता हूँ क्लिक, तो मसला जो है वो ये आ रहा है कि ये लिख के आ रहा है द फाइल यू ट्राई टू अपलोड इज़ टू लॉन्ग फॉर सर्वर टू प्रोसेस, यानी कि ये फाइल जो है ये बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इसकी तरफ देखें भी जाके, तो ये तकरीबन जो है ये हमारी तकरीबन 20 20 से ऊपर है। तो इसका क्या हल निकालना चाहिए था? तो मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ मैं गया, मैंने मैंने सोचा कि हम नॉर्मली जो है गूगल पे जाके सर्च करते कि साइज़ छोटा हो जाए और ये सारा जो हो जाए कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने ऑफ PDF ये लिखा साइज के बारे में, तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे ये कुछ कन्वर्ट के साइज के ऑप्शंस हमारे पास हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे फाइल, चूंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको फिर से एक चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, वो लिखा मैक्सिमम फाइल 5 MB हो सकता है, लेकिन जबकि वो 22 21 MB की जो है वो जो है ये स्कैन कैम से स्कैनर से आ रही है। तो हम गए यहाँ पे, हमने क्लिक किया कि कंप्रेशन हमें मिल जाए, कंप्रेस्ड मिल जाए। तो हमने यहाँ पे हम गए कंप्रेस्ड फाइल की तरफ, ये देखें फिर क्या होता है। तो हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हमने वही वाली फाइल जो है ये हमने की कि हम इसमें ना वो फाइल करते हैं। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देख रहे ना 21.6 20.9 MB की आ रही है। तो हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक लिमिट लिख के आ गया, इसने कहा जी लिमिटेड है 20 MB से नीचे जो है जो ऊपर है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इस .com पे जाएं, ये फलाना निमकाना करें। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी कि इवन जो है गूगल पे भी इसका हल नहीं निकला। तो इसका गूगल इसका जो सलूशन था वो मैंने दरियाफ्त किया, वो मैंने जो है नतीजा निकाला, तो वो ये था। पहले हम वर्ड पे भी मैंने कोशिश की तो नतज जो थे वो सही नहीं निकल रहे थे। कई दफ़ा जो है वो इधर मैंने सारे का सारा लिखा मैनुअल और ये सारा करने की कोशिश की, तब भी नहीं हुआ। तब भी इवन आपको मैं PDF अगर दिखाऊं तो ये देखें PDF में कुछ हिस्से कटे हुए हैं, कुछ चीज़ें अजीबो गरीब सी यानी कि जो है वो आ रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आ रही हैं कुछ चीज़ें कट रही हैं, कुछ भी बीच से जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना, तो ये इसका पेज का साइन नहीं आ रहा ये भाई, और कुछ चीज़ जगह पे पेज का साइन ही नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का फ़ायदा फिर क्या है? तो ये बड़ा अजीब सा मसला था। तो इसका हल हमने यूँ निकाला कि हम गए ये अपने पावर पॉइंट पे,
ठीक हो गया। आपने जितनी भी आपकी पिक्चर्स थी ना, आपने वो ले लेनी है सारी की सारी, उन सब के अपने स्क्रीनशॉट ले लेने अपने ये अपने ये अपने कैम स्कैन स्कैनर से ना आपने सबके जो है ना, क्योंकि उसमें स्कैन जब हुआ होता है हर चीज़ की जो होती है वो पैटर्न और फॉर्मेट बना होता है, सबके आपने स्क्रीनशॉट और सबके आपने जो है यहाँ पे जो है ना, जैसे आप देख रहे हैं, आपने इसे कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना। ये देखें, ये देखिए 1 2 3 से लेके ये एंड तक सारे के सारे जो है ये मेरा मैनुअल जो है ये कॉपी पेस्ट होके इधर आया हुआ है। ठीक हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आपने जो है इसे यूँ देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हुई हैं। अब आपने जाना है यहाँ पे करने के बाद, इसे सेव करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे फाइल्स में, और जाना है आपने एक्सपोर्ट में, और वहाँ पे आपने क्लिक करना है पीडीएफ पे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ही आपने इसको कोई भी फाइल नेम, जैसे मैं इसे नाम नंबर दे देता हूँ 6, और इसे मैं कहता हूँ पब्लिश। अब आप देखें, ये देखें जी स्टूडेंट्स, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा जो है ये आपका ये स्कैन हुआ हुआ ये आपके सामने आ गया। ये देखें कितना अच्छा जो है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बीएड का 1.5 ईयर्स या 2.5 ईयर्स का जो है ये आपके सामने मौजूद है। तो इसको ही आपने जो है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये देखें, अगर हम यहाँ जाएं और इसकी अगर हम अपनी वेबसाइट पे ही जाएं, और अगर अब हम क्लिक करें ब्राउज में, और अगर हम जाएं अपनी डॉक्यूमेंट्स में और हम लिखें वही 8613, और हम लिख दें फॉर एग्जांपल P6 लिख दें, वही जो मैंने भी आपको बताया। तो ये देखें, अब ये जो है ये अपलोड होने के लिए तैयार है, और ये देखें ये अपलोड हो गई। क्योंकि 5 MB से कम की थी, अगर मैं आपको इसको फिर से आपको इसकी वजाहत अगर करा दूं तो वो ये है कि मैं आप डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, माय PC, तो यहाँ पे हम ले मैं लिख रहा हूँ 8613, ये P6 को देख रहा हूँ। जैसे ही मैं ये इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए P6 का मैं दिखाने लगा वो प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टीज देखता हूँ तो ये देखिए ये लिख के आ रहा है 4.92 MB, यानी कि 21 MB से लेके ये कन्वर्ट हो चुकी है अब 4.9 MB, यानी कि खुद ब खुद इसका साइज छोटा हुआ है। ना ही आपको गूगल पे मिलेगा, ना ही आपको किसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो ये मैंने आपका जो है स्टूडेंट सोल्यूशन जो है सॉल्व कर दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ और अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ अपने अलमाई बार ओपन यूनिट से एज अ ड्राफ्ट। तो मुझे ड्राफ्ट नहीं, आज 20 सितंबर 2022 है, 12:04 है, तो मैं इसे जो है ये सबमिट कर रहा हूँ। ये देखें कंफर्मेशन जी मुझसे मांग रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ जी मैं कंफर्म हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये मैंने जो है अपनी फाइल सबमिट करा दी है, और ग्रेडिंग के लिए अभी ग्रेड नहीं है, 2 दिन अभी बाकी, आप इसे सब अपलोड इस तरह से करें और 20 सितंबर से पहले जो है अपना जो है ये अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ये अपना जमा करवाएं बीएड का। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन ये हल जो है 8613 के रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से मिला होगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए सोल्यूशन और इसी तरह की और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी खान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी खान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी खान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी खान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है,
यार आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और उसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।